योगा में अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला के चौरी खींद गांव की निधि धोगरा ने एक बार फिर वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। निधि धोगरा ने 13 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय योग महासंघ ABYM की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता में भाग लिया और इसमें निधि धोगरा ने 1 मिनट में हैंड स्टैंड में 35 विभिन्न आसनों को प्रदर्शित किया जिससे यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सातवीं कक्षा की छात्रा निधि धोगरा की उपलब्धि पर माता पिता ने खुशी जाहिर की है। निधि धोगरा ने इससे पहले भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 11 वर्षीय निधि धोगरा ने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड हासिल किया है। निधि ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले भी 2 बार योगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें 1 मिनट में हैंड स्टैंड में अलग अलग आसनों को किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के चलते अब ऑनलाइन ही प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेकर अच्छा लग रहा है। पहले प्रणवासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड नया था ऑनलाइन, और फिर उसके बाद एक बार गति उठिष्ठासन में कांगड़ा में बनाया, और फिर इस बार तीसरी वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने घर पर ही ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस की थी, और फिर इसके बाद ABYM बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया। कोरोना के काल से पहले हम स्टेज पर परफॉर्म करते थे, फिर उसके बाद अभी कोरोना काल के बाद हम घर पर जब ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगा घर पर भी कि हम घर पर भी ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। वहीं निधि डोगरा के पिता शशि डोगरा ने बताया कि योगा टाइम फेसबुक पर गत सितंबर 13 को अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता करवाई गई थी जिसमें बेटी निधि धोगरा ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2 बार निधि धोगरा ने योग में उत्कृष्ट आसन में प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 1 मिनट में हैंड स्टैंड पर 35 विभिन्न आसनों पर प्रदर्शन किया और तकनीकी कमेटी ने अप्रूवल के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। तो सभी को प्रणाम जी, और निधि धोगरा बेटी का ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 13 सितंबर 2020 को योगा टाइम्स फेसबुक पेज के ऊपर हुआ था, और इसका आयोजन जो था वो ABYM के द्वारा किया गया था, और इसमें बेटी ने 1 मिनट में हैंड स्टैंड के ऊपर 35 अलग अलग आसनों का प्रदर्शन किया था, और टेक्निकल कमेटी के द्वारा इसे अप्रूवल हुआ और इसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो बेटी के नाम रहा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, जैसे कि सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना COVID-19 महामारी के कारण जो था वो पीछे लॉकडाउन भी रहा, अभी तो लॉकडाउन ओपन हो गया है, पर इस लॉकडाउन में बेटी को प्रैक्टिस करने का थोड़ा मौका भी मिला, साथ में ऑनलाइन पढ़ाई भी चली रही, साथ में प्रैक्टिस भी चली रही, तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए तो इनका कन्फर्मेशन हमें सोशल मीडिया के द्वारा होती रही, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करते रहे जिससे कि मुकाम बेटी ने हासिल किया, और हमें बहुत खुशी है कि बेटी का तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उसकी कल सॉफ्ट कॉपी ही हमें प्राप्त हुई है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने एक ऑडिशन लिया था हर आसन में, फिर उन ऑडिशनों में से जो बेस्ट बच्चे थे उन बच्चों को उन्होंने 1 मंथ का समय दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो अलग अलग आसनों में कम से कम 60 से 70 पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने भाग लिए। निधि डोगरा की माता निशा देवी ने बताया कि बहुत खुशी है कि बेटी ने तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को दूसरी एक्टिविटी भी करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को अपनी इच्छा से खेल का मौका भी मिल सके। सर, हमें बहुत खुशी है कि हमारी बेटी ने तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम बाकी एक्टिविटीज़ भी करवाएं ताकि उनका चहुमुखी विकास जो है वो हो सके, और हमें बच्चों को हर तरफ जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई की तरफ ही उन्हें सपोर्ट करें, हमें उन्हें खेल की तरफ भी और जो भी उनका हॉबीज़ हो उनमें हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी अपनी मंजिल जो है उसे अचीव कर सकें।
वहीं दादा करमचंद ने अपनी पोती की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निधि ढोगरा ने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि योग से सभी बीमारियों को दूर भगाता है और योग सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बच्चा योग शिक्षा हासिल करे और इसी तरह उपलब्धियां हासिल करता रहे। बेहद खुशी है और इस खुशी के साथ साथ पूरे देश के और पूरे वर्ल्ड के बच्चों की खुशी भी जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बेटी ने हमारे देश का नाम, प्रदेश का, देश का नाम चमकाया वर्ल्ड में, वैसे ही हर बच्चा प्रयास करे। इससे बच्चा जो है वो मंजिल मकसूद पर तो पहुँचेगा ही, लेकिन अनेक बीमारियों से, जैसे आजकल ये कोरोना की चली है और कई किस्म की बीमारी हैं, तो योगा से बहुत सी बीमारियां जो है वो दूर होती हैं, बहुत सी रोगों का समाधान होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा शिक्षा ले, समय का सदुपयोग करे, पढ़ाई के साथ साथ, जैसे ये मॉडर्न युग है, इस युग में हर आदमी जो है या बच्चा जो है वो इसमें मॉडर्न लाइफ जीना चाहता है, तो इससे बाहर निकल के थोड़ा ज़्यादा अपना समय जो है वो ऐसी एक्टिविटी को, जिससे देश का नाम भी, प्रदेश का भी और सारे इसका जो है वो पेरेंट्स का भी नाम जो है ऊंचा। गौरतलब है कि 11 वर्षीय निधि डोगरा को बचपन से ही योग का शौक रहा है और घर पर अपने पिता शशि कुमार, जो कि सरकारी स्कूल में डीपी के पद पर तैनात हैं, उन्होंने उसे योग सिखाया है। निधि डोगरा ने प्रणन आसन में 45 मिनट लगातार आसन लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो योग रत्न अवार्ड भी बना चुकी है। पिछले 2 सालों से निधि डोगरा ने योग में अलग अलग मुकाम हासिल कर हमीरपुर का नाम रोशन ही नहीं अपितु पूरे देश भर में चमकाया है।